डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर एयर मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश कुमार। डॉक्टर, क्या ये सच है कि ज्यादातर हार्ट अटैक्स सुबह के समय में ही होते हैं? सो दिस इज डॉक्टर कमलेश, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट पारस HMRI पटना, एंड आई रन माई ओन प्राइवेट क्लिनिक ऑल्सो बाई नेम पटना हार्ट क्लिनिक एट पाटलिपुत्रा गोलंबर। हाँ, विद द रीसेंट स्टडी ऐसा पाया गया है कि जो अभी जो हार्ट अटैक हैं दे यूजुअली कम इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, और बट विद द करंट लाइफ सिचुएशन जितने सारे हमारे पास लाइफ में स्ट्रेसर्स हैं, लाइक वी आर कीपिंग मोबाइल फोन ऑल्सो अलॉन्ग विथ अस, सो ये जो सर्कैडियन रिदम है बॉडी का, इट इज़ नाउ लिटिल गेटिंग चेंज्ड, एंड सो yes, with the recent study we have documented more of heart attack in the early morning hours. डॉक्टर, मॉर्निंग हार्ट अटैक्स को कैसे रोका जा सकता है? एग्जैक्टली वही मैंने बताया आपको, यू नीड टू, आपको समझना होगा आपके जो स्ट्रेसर्स हैं, और आपको जब भी कोई अलार्म मिल रहा है, आपके बॉडी आपको अलार्म दे रही है कि नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कब रुकना है, एंड यू नीड टू गो, यानी कि आप काम करे जा रहे हैं, आप 12 घंटा काम कर रहे हैं, आप एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई स्ट्रेस है उसको आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप साइकेट्रिस्ट से नहीं मिल रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स। बट या सिम्टमेटोलॉजी, लाइक पेशेंट को जो है कि यूजुअली हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करता है कि आपको छाती में जो है, छाती में भारीपन होगा, छाती में दर्द होगा, यूजुअली जो दर्द होती है बाएं हाथ की तरफ रेडिएट करती है, तो ये एक वन थिंग है। इसके अलावा पेशेंट यूजुअली बहुत ज़्यादा अनइजीनेस फील करेगा, स्वेटिंग फील करेगा, सो एनी पेशेंट जैसे उसको छाती में दर्द हुआ या भारीपन हुआ और वो साथ में बहुत प्रोफ्यूजली स्वेट कर रहा है, सो आपको ये समझना है कि दिस कुड बी वन हार्ट अटैक। डॉक्टर, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स के क्या कारण होते हैं? दैट्स व्हाट कि मैंने बताया कि जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइक प्लाज्मिनो एक्टिवेटर इनहिबिटर, जिनका एक मॉर्निंग आवर्स में एक अपसर्ज होता है, ये सब वेरियस हाइपोथेसिस और थ्योरीज हैं और स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस ऑल हाइपोथेसिस, बट यस द प्रूवन थ्योरी इज लाइक कि प्लाज्मिनोज एंड एक्टिवेटर इनहिबिटर, ये हमारे मॉलिक्यूल में एक अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये ज़्यादा बढ़े रहते हैं, ये हमारा सर्कैडियन रिदम कुछ ऐसा है। इसके अलावा कॉर्टिसोल वगैरह जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बढ़ते हैं, सो दीज ऑल इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर एंड हैव एन ए गुड डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन बॉडी सिस्टम दैट इंक्रीजेज मोर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मॉलिक्यूल्स इनसाइड द। डॉक्टर, क्या नमक हम सभी के लिए नुकसानदायक होता है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए? सोडियम जो है, लाइक सॉल्ट इज लाइक सोडियम क्लोराइड, सो सोडियम आप ले रहे हैं, सो दैट इनवाइट्स मोर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दैट इंक्रीजेज योर फ्लूइड डायनामिक्स ऑल्सो, सो उस कंडीशन में यूजुअली फॉर यंग पेशेंट हु इज जिसका हार्ट का एक्टिविटी सही है, हार्ट फंक्शन सही है, दे शुड नॉट बॉदर फॉर दिस, बट जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, अगर वो ज़्यादा नमक लेते हैं तो उसके साथ वो एक्स्ट्रा वो पानी भी और एक्स्ट्रा फ्लूड भी वो इकट्ठा होता है उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में, सो दे शुड अवॉइड दिस एक्स्ट्रा सॉल्ट, सो एक्स्ट्रा सॉल्ट दे कैन अवॉइड, लाइक कि वो अचार नहीं खाए या फिर सलाद में वो नमक नहीं खाए, बट दिस मोर ऑफ प्रिकॉशन जो लेना है वो हार्ट फेलियर पेशेंट और हाइपरटेंसिव पेशेंट जो बीपी की दवाई खाते हैं इन तरह के, बट फॉर नॉर्मल पेशेंट दे कैन, यस दे शुड टेक लेस ऑफ सॉल्ट फॉर श्योर, बट दिस इज मोर एप्लीकेबल टू हार्ट फेलियर पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। डॉक्टर, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारी किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए? लुक, दिस जो हमारा हार्ट फेलियर के पेशेंट एक डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन द रिकमेंडेड स्लीपिंग पोजिशन इज लेफ्ट साइड ओनली, बिकॉज वो आपके गैस्ट्रिक जो कंटेंट्स होते हैं, इट इज़ मोर इन दैट पोजिशन कि वो एस ये रिगर्जिटेशन जो है वो लेफ्ट पोजिशन में वो नहीं होता है, सो फॉर ए नॉर्मल पेशेंट, फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन टू स्लिप बेटर इन द लेफ्ट पोजिशन, बट फॉर हार्ट फेलियर पोजिशन ऐसा स्टडी में पाया गया है कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स जो होते हैं वो राइट साइड में दे फील मोर कम्फर्टेबल, सो इन माई ओपिनियन देर इज़ नो, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, बट आइडियली हार्ट फेलियर पेशेंट को जिधर से आराम मिल रहा है दे शुड स्लीप इन दैट पोजिशन।